हाय एवरीवन, ज्योतिकास ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। मेरी मम्मी अचानक करके देखी क्या कर रहे हैं। ज्योतिकास ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और अभी सुबह हो रहा है और हम कल आज निहारिका का जन्मदिन है, तो आज हम लोग भूल गए चना भिगाने। पनीर बनेगा और चिकन बनेगा, मछली बनेगा और भी कुछ कुछ आइटम है, दिखाऊंगी बनाने के बाद। तो अभी मैं ये सब निकाल लेती हूँ। मेरी मम्मी हंसती है। गर्म पानी में भिगा लेती हूँ इसको। पता नहीं अच्छे से भिगेगा कि नहीं, पर फिर भी भिगा लेती हूँ। और मेरी मम्मी यहाँ पे सूजी फ्राई कर रही है। दो दिन बाद मैं घर जाने वाली हूँ, वहाँ का भी मैं पूरा आप लोगों को दिखाऊंगी। वहाँ पे मेरा घर कैसा है, किस टाइप का है, वहाँ पे मैं जाऊँगी तो वहाँ का अच्छा अच्छा ब्लॉग मिलेगा आप लोगों को, अगर मोबाइल मिला तो। ठीक है सूजी। और ये देख, यहाँ पर मैं सब फ्राई कर रही है उपमा में डालने के लिए। वहाँ पर सूजी फ्राई हो रही है और मम्मी के पैर में दर्द है, फिर भी मेरे लिए इतना सारा काम कर रही है। क्योंकि मम्मी बोले थे मैं कर देती हूँ, जबकि उनके पैर में दर्द है, खड़ी नहीं हो पाती है, फिर भी मेरे लिए इतना कर दे रही है। सूजी फ्राई हो गया है कंप्लीट। और आज का ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी सुबह से शाम तक, रात तक क्या क्या होता है, कैसे डेकोरेशन होता है, क्या होता है, मैं पूरा दिखाऊंगी आप लोगों को। और माली आने से मेरे को बहुत सुविधा होगा, क्योंकि माली आने से मेरा मोबाइल पकड़ती है, मतलब कैमरा पकड़ती है, तो सुविधा होता है। ठीक है, फिर काम हम कंप्लीट होने पर फिर बात करती हूँ। तो मैं हमारे घर में कुल कितने लोग हैं, सबके लिए यहाँ पे उपमा बन गया है और यहाँ पे ये फ्राई भी हो गया है। अभी सब उपमा बना के बंद कर दीजिए, अभी उसको अच्छे से फ्राई करके उसमें डाल दूँगी। अभी इसको हल्का सा दो तीन मिनट फ्राई करके उसके बाद मैं इसमें पानी डाल दूँगी। अभी बर्थडे गर्ल, ये है बर्थडे गर्ल, ये बनाएगी नहाने के लिए। दे पानी, ऊपर से पानी लेने जा रही हूँ। पानी लेके आती हूँ। चल जा मानी उधर, चलो पानी कहाँ से लेंगे पता है? हम लोग ऊपर से पानी लेने जाएंगे अभी। यहाँ से ऊपर, मतलब ये यहाँ से पानी भरती है ऊपर का, जो भी पानी रहता है गर्म हुआ रहता है, अभी अभी गर्मी का मौसम है करके बहुत ज़्यादा ही गर्म रहता है, तो इससे उसको हो जाता है। और ना से हम लोग गर्म पानी भी नहीं करना पड़ता ना। तो और मैं भी जाऊँगी मंदिर, मंदिर जाऊंगी तो फुल रेडी होंगी। तो मैं सोने का काम का हम लोग पहनती है, मेरी मम्मी का, मम्मी बोली कुछ नहीं पहनती तो क्या है ना, मतलब मेरे पास है ऐसा नहीं कि मेरे पास नहीं, मेरे पास है पर मैं नहीं पहनूंगी। मम्मी नया बनाई है तो मेरे को पहनाने के लिए सीधा पड़ी थी मोबाइल का, मम्मी मेरे को दी है पहनने के लिए, तो फुल रेडी हो जाऊँगी तब तब दिखाऊँगी। और जब रेडी होते टाइम भी मैं दिखाऊँगी। अभी मैं नहाने जाऊंगी, नहा के आके फिर मैं बात करती हूँ। नहाने तो गाइस अभी मामी जाएगी नहाने के लिए, तो फिर मामी रेडी होगी तब हम आपको दिखाते हैं। फाइनली मामी नहा के रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। रेडी हो रही हूँ, थोड़ा सा बाकी है रेडी होने में, मेरे को 10 मिनट लगता है। 10 मिनट माँ आप क्या क्या लगाते हो? मैं क्या क्या लगाती हूँ? हाँ कुछ नहीं, बस पाउडर और क्रीम में लगाती हूँ तेरा फेयर एंड लवली बीबी क्रीम। देखो ये सब लगाती हूँ मैं, फेयर एंड लवली बीबी क्रीम लगाती हूँ और बस यही है मेरा मेकअप। और थोड़ा सा हल्का सा फेस में लिपस्टिक, हल्का सा फेस में लिपस्टिक लगा लेती हूँ, बस कंप्लीट मेरा रेडी। और रिंग्स गेटअप के साथ, मतलब हेयर कर लेती हूँ जैसा मेरा साड़ी रहेगा उस टाइप का मैं हेयर कर लेती हूँ, बस यहीं तक है। और मैंने तो अभी बाल बहुत छोटे छोटे करा लिए हैं, अभी बाल सूखे नहीं, पूरा बाल गीले हैं मेरे, तो
अभी सुखा के पूरा फुल रेडी हो के आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं किस टाइप का रेडी हुई हूँ। ठीक है, अब मामी आपको सब बताएगी। पहले तो फटाफट मुझे भूख लगी है तो मैं खाना खा ली, मैगी खा लेती हूँ क्योंकि मैं दुकान से मैगी लेके आई थी। तो खाते हैं मैगी, मैं मैगी खाने के बाद मिलती हूँ। ओके गाइस, ये रहा मामी का फाइनल लुक। बाय। अभी जब मंदिर जाती हूँ, मंदिर जाके आके फिर दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या खाना वाना बनेगा रात के लिए। रात को ऊपर पार्टी है तो उसके लिए डेकोरेशन दिखाऊंगी, सब दिखाऊंगी, बने रहेगा इसी ब्लॉग में। अभी मेरा मैगी चल रहा है इधर, तो चलो मिलते मंदिर जाने की बात। बर्थडे गर्ल रेडी हो गई है। अभी हो रहा है 8, अभी 8:30 बजे तक केक कटेगा तो मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, तो मैम इसको पकड़े ब्लॉगिंग नहीं हो पाया। ओके सो गाइस, फाइनली मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, मेरा आउटफिट है और बर्थडे गर्ल भी रेडी हो चुकी है और सब लोग अभी जाएंगे ऊपर। ऊपर का मैं आपको डेकोरेशन दिखा देती हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा सुबह में ना बहुत बिजी हो गई थी ऊपर डेकोरेशन करने में, तो ना मैं ना ब्लॉगिंग नहीं कर पाई थी। तो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग नाउ। तो अभी सब लोग आ चुके हैं और ना बुनू वालों सेम कपड़ा वाला एक चीज़ दिखाऊंगा। और ये है बुनू, ये अभी गलती से गिर गई थी, उसका नाक पे लगा था। और ये मामी, सब रेडी होके है बढ़िया। चलो मैं आपको ऊपर का डेकोरेशन। तो गाइस हाँ, आप बोल रहे थे कि ना इसका बर्थडे आउटफिट कौन सा है, ये वाला। ओके सो অনেক জলদি হিলাইছে আমি করে তো এটা দেখাই দেন লোকে ऐसा। सो अभी हम जाएंगे ऊपर, तो चलते हैं ऊपर का आपको सब कुछ दिखाएंगे हम लोग। और हम लोग क्या क्या बनाया मैंने बता दी, हम लोग चिकन बनाया, छोले पनीर बनाया, दाल हो गया और सेवई बनाया है। और भी कुछ कुछ है। आपको एक चीज पता है, हम स्वीट्स में रसगुल्ला बनाया नहीं है, मंगाए हैं। सी केक कटेगा तब हम लोग दिखाएंगे। तो गाइस मैं आपको छोटी सी भी दिखाती हूँ। हाँ हाँ मामा को बोल दे, वो बॉक्स लेने लेके नहीं गया अभी तक। हाँ। बॉक्स के लिए बोल दे। हाँ, तो अभी बोलते सब कुछ लोगों को दिखा। तो ये है मामी की मम्मी, और मम्मी बैठे हैं, बड़ी मम्मी बैठे हैं, सबको ही बैठे हैं। एंड चलते ऊपर, मैं खड़े खड़े आपको ऊपर का दिखाती हूँ। तो चलते ऊपर, और जो मामी की बहन है ये मैंने आपको सुबह भी दिखाया था। तो मामी की बहन भी रेडी हो गई है, इनका नाम रानी दीदी है ना, मैं रानी दीदी बुलाती हूँ। और ऊपर चलते हैं, अभी ऊपर का सब कुछ दिखाती हूँ मैं आपको। चर्च किए थे, भगवान सब लोग हैं, मैं दिखाने जा रही हूँ। दिखा दे, अभी तक हुआ नहीं है, ये पूरा पसीना पसीना हो गया है। चल जान दो। तो अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं, तो सारा डेकोरेशन दिखाते हैं, और आधे कंप्लीट भी नहीं हुआ है। समझ में आता है। वाओ डेकोरेशन, तो ये है डेकोरेशन।
चलता है नीचे, मैंने जब बोनू आएगी तब मैं आपको सब कुछ डेकोरेशन दिखाऊंगी। थोड़ी बढ़िया लग रहा है तो गाइस चलते हैं नीचे। मैं छोटी सी केक का वो खाती हूँ, उसमें बस आपको डॉल दिख जाएगा और अंदर का जो भी हो भी दिख जाएगा। तो बीजा मामा मैंने थोड़े से झाँक के देखी थी तो मुझे अच्छा भी लगा था केक, तो दिखाती हूँ मैं आपको केक। चलाओ, थोड़ा हील क्यों रहा है आज। अंदर ना एक डॉल है, अगर आपको दिखा होगा तो अब बढ़िया सब लोग रेडी होके सब बैठे हैं। देन दादी तो मैं बाहर को सब लाऊंगी पूरे रागे मुक्त। मम्मी मम्मी भी रेडी हो चुकी है, मामी की मम्मी, दादू, दादू अपनी जैसे आए हैं, दादी, दीदा, बड़ी मम्मी, मेरी दीदी, दादी, प्रीतिका, दादू रेडी हो चुके हैं। दादू मतलब भाभी अभी पूजा से डायरेक्ट आया। बुनु को बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हैं, ये कृतिका के पापा ने दिया है और भी है, और वो किसने दिया मुझे नहीं पता, ऊपर भी गिफ्ट रखा हुआ है। वो तुम्हारा ना मामी यहाँ पे क्या कर रही, मम्मी देख तुम्हें पीछे का चेन खुल गया है क्या? मैं पीछे का चेन खुल गया भूख लगा दे खींचे तुम्हारे। चलते बाहर, फिर मैं मिलती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ केक काटते टाइम। फटाफट चल। वाह यार इसका है सही में बहुत सुंदर है, शायद मेरा होगा है तो ये केक। देखो 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 डॉल 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 देख लिया ना, एक डॉल खड़ी है तो मैंने आपको अच्छे से दिखाया है, मैं प्रॉपरली दिखाऊंगी। सो मुनू का पूजा का थाली तो मिलते हैं ऊपर। गाइस फाइनली अब केक काटेंगे, मैं केक खा देती हूँ। माने हाँ सबका वीडियो बनाना, मैं खींच ली वीडियो में तो दिखाना पड़ेगा ना, वीडियो ऐसे मत बनाओ वो अच्छा नहीं आ रहा है, ब्लैक ब्लैक आ रहा है। तो फिर केक कट करते हैं, हम आपको दिखाएंगे केक कैसे कट कर रहे हैं। हम बहुत सारे लोग हैं तो बोलने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है। टुकटुकी का फोटो खींचो लो खिलाती है ना खिलाई